Yo voy a hacerle yo. हाँ, आप सभी का हमारे चैनल रोहित यादव दिल से देसी में स्वागत है। और सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको लगातार नए नए वीडियो दिखाते रहें। और आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और हम आपको आज सुनवाने जा रहे हैं जालिंदर शास्त्री, हमारे भतीजे जो हैं, सीता स्वयंवर के बारे में। तो सभी लोग ध्यान से सुने और हमारे ऊपर आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी भाइयों से, जालिंदर शास्त्री की तरफ से राधे राधे। और जो हमारे चाचा श्री रोहित यादव, इनके चैनल के माध्यम से हम आप सभी के सामने एक भजन जो है सीता स्वयंवर के बारे में। जिस समय भगवान श्री राम जनक के फूल बाग में पहुँचे और उधर सीता अपनी संग की सहेलियों को लेकर के फूल बाग के लिए आई हैं, तो एक सखी ने जब राम और लक्ष्मण को देखा और गुरु विश्वामित्र साथ में हैं, और तो वो संघ की सहेली सीता जी के पास में गई और बोली, कहने लगी, बहन आज बगिया में बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमारे चाचा का हौसला हमेशा के लिए आगे के लिए बढ़ता रहे। सभी से निवेदन है। तो मुझसे बार बार कहने पर, और जब चाचा ने कहा तो मैंने कहा ठीक है, तो आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो इधर जब सीता अपनी संग की सहेलियों को लेकर के बाग में पहुंची तो भगवान श्री राम की सुंदरता के बारे में बताया कि सखी बोली है, बहन कि सखीरी दो कुमर सुंदर आज बगिया में आए हैं। सुंदर आज बगिया में आए हैं। सुंदरता क्या कहूँ उनकी, सुंदरता क्या कहूँ उनकी जो मेरे दिल समाए हैं। कहने लगी, बहन भगवान श्री राम की सुंदरता जितनी जितनी ज्यादा करें उतनी कम है। और बोली, उनके नाम क्या है बहन? बड़े को राम कहते हैं, लखन छोटे को कहते हैं। लखनी छोटे को कहते हैं। अयोध्या गाम है जिनका, अयोध्या गाम है जिनका जो दशरथ के जी आए हैं। Thank you.
अयोध्या में राजा दशरथ उनके लाडले हैं और बोले अयोध्या ग्राम है जिनका जो दशरथ के जी आए हैं। और कहने लगी बहन और बताएं शीश पर जटा है जिनके कि कर में धन से है उनके विश्वामित्र हैं संग में कि विश्वामित्र हैं संग में जो बाजू बगिया में आए हैं। कहने लगी बहन सकीरी दो कुमर सुंदर आज बगिया में आए हैं। सुंदरता क्या कहूँ उनकी जो मेरे दिल समाए हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है हमारे चाचा का।